हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो सभी एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं जितना मर्जी बहुत बोलूं वो कम ही पड़ेगा, बिकॉज सबको पता है कि मॉक्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं इन गेटिंग यू अ ग्रेट परसेंटाइल इन एनी ऑफ द एमबीए एग्जाम्स। लेकिन बहुत सारे लोग मॉक्स देने पे ज्यादा एफर्ट डालते हैं रादर देन एनालाइजिंग देम। सो आज मैं आपके सामने एक रेफरेंस मॉक यूज करूंगी, लेकिन प्लीज नोट कि यहाँ पर मुद्दा है एनालिसिस का एंड नॉट अटेम्प्ट का। सो इसके लिए मैंने पार्टनर किया है आई क्वांटा के साथ, जिन्होंने इंडिया की फर्स्ट एवर एआई बेस्ड मॉक सीरीज बनाई है। इन्होंने अपने मॉक एनालिसिस में इतने सारे फीचर्स ऐड किए हैं जो किसी और मॉक में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल गोल ट्रैकर, एरर ट्रैकर, एआई बेस्ड मॉक एनालिसिस एंड मेनी अदर थिंग्स, जो मैं जैसे जैसे मॉक का एनालिसिस करूंगी आपको पता लगेगा। जैसे मेरे टाइम पे हम लोग एनालिसिस के टाइम पे एक एक्सेल शीट बनाते थे और काफी सारे वेरिएबल्स जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो उसमें एंटर करते थे। इन्होंने उसको पूरा ऑटोमेट कर दिया है, अब वो आपको एक्सेल पे करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी एक डैशबोर्ड होगा जिसमें आपका बहुत टाइम सेव होगा। सो मान लो पहले 4-5 घंटे लगते थे एनालिसिस में, तो वो अब सिर्फ 1 घंटा लगेगा। इनका फर्स्ट मॉक सबके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो मॉक जरूर लेके देखो। एंड अगर आप इनकी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो देन यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड SA1300, जिससे आपको 1300 rupees ऑफ मिल जाएंगे ऑन देयर टेस्ट सीरीज। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉक के साथ। सो ये उनका लैंडिंग पेज है। यहाँ पर सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे ही अपनी डिटेल्स फिलअप करोगे तो राइट हैंड साइड पे ये आपको उन 20 स्कूल्स के नाम बता देगा जो आपके एकेडमिक मार्क्स के हिसाब से एलिजिबिलिटी होल्ड करते हैं। नीचे ही आपको एक बार भी दिखाई देगा, उस पे एडजस्ट करके मैं अपनी परसेंटाइल का एक टारगेट बनाऊंगी। अब हम मॉक को स्टार्ट करते हैं। सो इस मॉक का जो इंटरफेस है दैट इज एग्जैक्टली हाउ द कैट एग्जाम ऑल्सो लुक्स। जैसे सबसे पहले वीआरसी स्टार्ट हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। इसको मैं बिना क्वेश्चन देखे जल्दी से आगे बढ़ के LRDI दिखा देती हूँ। कैट एग्जाम में भी आपके पास एक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है जो कि बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है, तो इसको आप यूज कर सकते हो अगर आपको LRDI या क्वांट में कोई भी हेल्प चाहिए। अब नेक्स्ट सेक्शन होता है क्वांट का, विच इज द फाइनल सेक्शन, तो इसको भी मैं फटाफट से आगे मूव कर देती हूँ सो दैट हम मॉक अटेम्प्ट को कम्प्लीट कर पाए। सो अब हम फाइनली मॉक का एनालिसिस करेंगे। आप जब भी मॉक लेते हो उसके बाद 1-2 घंटे की ब्रेक लिया करो और उसके बाद मॉक का एनालिसिस किया करो, लेकिन सेम डे करना ताकि आपको पता रहे कि आपने क्वेश्चंस को क्या सोच के मार्क किया था। और एक और बात, कोई भी पर्सन मेरी परसेंटाइल देख के हंसेगा नहीं, क्योंकि मैंने मॉक को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया था। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट थे तो मैंने जल्दी जल्दी आगे स्क्रॉल किया था। तो इस मॉक में मेरे 3 नंबर आए हैं और 25 परसेंटाइल आई है। इसे देख के पता लगता है कि मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि तुक्के भी सही नहीं लगते मेरे। सो ये बेसिकली आई क्वांटा के मॉक का एनालिसिस डैशबोर्ड है। इसमें एक और फीचर है कि अगर आप टॉप लेफ्ट पे चेक करोगे तो आपको एक स्कोर एंड परसेंटाइल चार्ट दिखाई देगा। इसमें आपको ये बताता है कि हर सेक्शन में जितने मार्क्स आपके आए हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैट के लेवल के हिसाब से आपकी कितनी परसेंटाइल आई होती, यानी कि जितनी परसेंटाइल आपकी इस मॉक में आई है उसी के आसपास आपकी कैट में आई होती अगर सेम पेपर आता। यहां आपको अपना स्कोर कार्ड दिख जाएगा, विच मींस कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, गलत हुए, क्या बेसिकली आपका अटेम्प्ट रेट, एक्यूरेसी रेट रहा। अब यहाँ से मैं आपको मॉक एनालिसिस का स्टेप 1 बताती हूँ, विच इज कि आपको 3 पैरामीटर्स को नोट करना होता है जैसे ही आप मॉक एनालिसिस स्टार्ट करते हो। फर्स्ट इज आपकी कितनी परसेंटाइल आई, सेकंड इज आपका अटेम्प्ट रेट कितना था, विच इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड ओवर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दैट सेक्शन, एंड फाइनली व्हाट वाज योर एक्यूरेसी रेट, विच इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू गॉट करेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू अटेम्प्टेड। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 80% अटेम्प्ट रेट और 80% एक्यूरेसी रेट मेंटेन करो। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो स्कोर कार्ड है ये आपको सेक्शन वाइज भी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल VARC में आप देख सकते कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन था मेरा सही हुआ या नहीं, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, मैंने कितने टाइम में उसको सॉल्व किया, कितने लोगों का वो क्वेश्चन ठीक हुआ और टॉपर ने कितने टाइम में सॉल्व किया। सो जो भी मॉक आप अटेम्प्ट करते हो उसके एनालिसिस में स्टेप 2 होता है ये 3 चीजें फिगर आउट करना। पहला, क्या आप सारे इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं। दूसरा, क्या आप वो क्वेश्चन जरूर कर रहे हो जो ज्यादातर लोगों के ठीक हो रहे हैं। और तीसरा, क्या जो क्वेश्चंस आप ठीक भी कर रहे हो उन पे आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हो वो जस्टिफाइड है
या वो बहुत ज्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे मैंने ज्योमेट्री में सेम चीज कैसे की, एंड इवन सब टॉपिक वाइज भी मिल जाती है, यानी कि हर चैप्टर में मैंने एक एक क्वेश्चन को कैसे किया। इसके बाद यहाँ पर एक डिफिकल्टी लेवल भी बताया होता है कि बेसिकली ओवरऑल पेपर का क्या स्प्लिट रहा है। इसको अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ एक और बहुत बढ़िया एनालिसिस गिवन है, विच इज कि आपने इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस का क्या किया, कि आपने उनको करेक्टली किया, इनकरेक्टली किया, कि आपने स्किप किया। जैसे मैंने इजी लेवल के क्वेश्चंस को, इतने सारे क्वेश्चंस को छोड़ दिया, विच इज अ ब्लंडर। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप किसी भी मॉक में सारे इजी और मेजॉरिटी ऑफ द मॉडरेट क्वेश्चंस करके आओ। अब हम वापस अपने स्कोर कार्ड पे आते हैं और सबसे पहले फीचर को चेक करते हैं, विच इज मॉक एनालिसिस। एंड ऑनेस्टली दिस इज इनक्रेडिबल, बिकॉज ये चीज मैं खुद एक एक मॉक के साथ पेपर पेन लेके करती होती थी, एंड दे हैव ऑटोमेटेड दिस एंटायरली। हर मॉक एनालिसिस में आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ एक वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। सो जनरली लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या था और उसे कैसे सॉल्व करना था, बट दैट इज नॉट इट। आप राइट हैंड साइड पे एक पैरामीटर देख रहे हो, विच इज सो इम्पोर्टेंट, कि मान लो वो क्वेश्चन गलत हुआ तो वो गलत हुआ क्यों? क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था? अगर आता था तो क्या आप अप्लाई नहीं कर पाए? क्या आपने क्वेश्चन को मिसरीड किया? क्या आपके पास टाइम नहीं बचा? क्या वो सिली मिस्टेक थी? क्या आप ट्रैप आंसर में फंस गए या आपने आंसर को गेस किया? सो स्टेप नंबर 3 इज कि आपके पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि वो क्वेश्चन सही, गलत या स्किप क्यों हुआ। जब इस मॉक में आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो एक बहुत ही बढ़िया एरर ट्रैकर इन्होंने बनाया है, जिससे वो ये बताता है कि जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए वो किस रीजन से सही, गलत या स्किप हुए। जैसे मैं अपना एनालिसिस देखूं तो ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने मिसरीड किए। अब वो तो होंगे, 5 मिनट में आगे बढ़ूंगी तो, बट बेसिकली उसके कारण मेरे ज्यादा मार्क्स कटे। इसके बाद हम वापस आते हैं और नेक्स्ट फीचर को चेक करते हैं, विच इज कॉल्ड गोल ट्रैकर। ये भी बहुत प्यारा फीचर है। सो इसमें वो बताते हैं कि जो भी मेरी टारगेट परसेंटाइल थी, जैसे कि 99.1% ले ली थी मैंने, वो कौन से पर्टिकुलर सेक्शन के कारण नहीं अचीव हो पा रही। राइट हैंड साइड पे ये आपको ये भी बताता है कि आपकी जितनी भी परसेंटाइल आई है उसके हिसाब से आप कौन से कॉलेजेस को क्रैक कर चुके होते हैं। इसी के साथ अगर आप इसके नीचे देखोगे तो आपको कुछ पर्सनलाइज्ड सजेशंस गिवन हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही, कि आपको हर सेक्शन में वीकर टॉपिक्स को इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। अब हम वापस आते हैं और नेक्स्ट फीचर चेक करते हैं, विच इज एनालिसिस ओवर ऑल मॉक्स। सो अभी तो हमने एक ही मॉक दिया है, बट बेसिकली जब आप सारे मॉक्स चेक कर चुके होंगे उसके बाद ये आपको सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज एनालिसिस देगा ऑफ ऑल द मॉक। इसके कारण ये आपको खुद ही एक लिस्ट बना के दे देगा कि आपके वीकर टॉपिक्स कौन से हैं, मॉडरेट कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग कौन से हैं। अब मेरे तो सारे ही वीकर हैं, तभी 25% आई है। यहां से हमारा फाइनल स्टेप निकलता है ऑफ मॉक एनालिसिस, विच इज आप हर सेक्शन के लिए नोट करोगे कि कौन सा टॉपिक और कौन सा सब टॉपिक आपका वीकेस्ट है और किस पे आप काम करोगे बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट मॉक। सो ये बेसिकली मॉक एनालिसिस की टेक्निक होती है। आई वुड रियली लाइक टू थैंक द आईकॉन्टर टीम फॉर मेकिंग दिस एंड फॉर लेटिंग मी एक्सप्लोर द मॉक, बिकॉज जेन्युइनली बहुत कम ऐसे मॉक प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं जहां पर इतना अच्छा एनालिसिस मिलता है। सो वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई देयर फ्री मॉक। पहला मॉक देने के बाद अपनी परसेंटाइल कमेंट करना कि कितनी परसेंटाइल आई। एंड इफ यू गाइस वुड लाइक टू बाय देयर टेस्ट सीरीज, यू कैन यूज माय कोड SA1300 टू गेट 1300 ऑफ ऑन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस, आई ट्रूली होप दैट इट हेल्प्स यू। एंड इसके अलावा मैं एक डेली रूटीन की वीडियो यहां लिंक कर दूंगी, वो भी देख लेना, उससे आप अपना टाइम टेबल इजिली बना पाओगे। सी यू द नेक्स्ट टाइम।